महान कार्य किया कछ भी जीवन के लिए बाणी के बहुत बने उन्होंने मुखार बिंदु जन की हुई पावन बाणी सुख मने साहिब सुखानी बने सुख मने सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना के मन विसरा सुखा की बणी है सुखा का सागर है जिस पावन बाणी को पढ़ के सुन के विचार के भगत जना के हिरदे कर वस जाती है कहते हैं ना सियाने नाम जपना औखा तो नाम की संभाल उस तो भी औखी 24,000 अखर ने सुखमनी सिर पाण बाणी की 24,000 सुस अपने रोज 24 घंटे के अंदर 24 अष्टपदियां 24 श्लोक 24,000 अखर 24,000 सुस एक स्वस्थ बंदा जोड़ा है वह लेंदा है 24 घंटे के अंदर कहें सुस सार्थक हो जाते हैं जिड़े प्यार श्रद्धा भावना के नाल इस पावन बाणी को पढ़ सुन के हिरदे वसाण का यतन करता है उस अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों में अरजोई करता है अरदासा करता है भावना बनाने की गल है गोबिंद भाव भगत का भुखा वो साड़ी भावना ही देखता है वो होर कुछ नहीं देखता वो साड़ी भावना देखता है कि सत्संग जो सुखमनी साहब जी की इस पहली जो अष्टपदी की आप विचार व्याख्या करने का निमाण है जतन कर रहे हाँ प्रभ के सिमरन नित सिद्ध नवनित प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तक बुद्ध प्रभ के सिमरन जब तक पूजा प्रभ के सिमरन दिन से पूजा प्रभ के सिमरन नीरत स्नानी प्रभ के सिमरन दर्ग मानी प्रभ के सिमरन हुए सुफला प्रभ के सिमरन सुफल फला से सिमरन जिन आप सिमराए नानक काकी लाभ से सिमरन जिन आप सिमराए नानक ताकि लाभ हो पाए कहने कोई उस सिमर सकता है जिसनों को आप त्रुट के आप सिमरवा लवे कितने सास में जब असी एक गुमान कर बैठते हैं ना असी अमृत वेले की संभाल की असी अमृत वेला संभाल लिया या कोई भी कला कोई भी गुण साढ़े च हों है तो असी उस दे नाल नाल उस चीज़ की प्राप्ति का करता भाव करके अभिमान कर लें गुमान कर लें गुरबाणी आखदी मन करा तो दूर पड़े मन करिए उसते जिसने ये बख्शिश की है गुरु पातशाह की पावन बाणी का फैसला भी वह सिमर सकता है जिन्हों आप कृपा करके आप त्रुट के अपने घरों घरों नाम की दात बख्श कहता है तो सास सुनिए गुरु नानक पातशाह गुरबाणी के अंदर अयो ही तो सानू सेध दिते हैं कि सब कुछ उस मालिक के हुक्म के अंदर वरत रहा है हुक्म तो बाहर कुछ हो ही नहीं सकता तो जेडे इस हुक्म बुझ लेंगे गुरु कृपा सदके नानक हुक्म है जे बुझे तो हो मैं कहीं फिर अहंकार की गल नहीं करते शुकराना करते हैं वाहेगुरु आपने त्रुट के आपने तरस खा के एक हाथ बख्शी है गुरु पातशाह प्रमाण करते हैं प्रभ के सिमरन रित सिद्ध नौ नित परमात्मा के सिमरन में ही रितियां सिद्धियां नौ नितियां सब कुछ जड़ा है वह उस दे विच ही समाया होया है रिधियां सिद्धियां कहते हैं हाथ बन के खड़िया हो जाए ने जिड़े उस परिपूर्ण परमात्मा परवरदिगार वाहेगुरु का सिमरन करते हैं उन्होंने अगे रिधियां सिद्धियां भी तुच्छ ने छोटिया ने वो तो सेवका दासियां बन के हाथ बन के खड़िया हो जाए ने तुम हुक्म करो चाहिए की है परमात्मा के सिमरन में यह सारा कुछ आप ही समाया होया है प्रभ के सिमरन रित सिद्ध नौ नित प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध कहने ज्ञान हो जाना तत्व वेता हो जाना जीवन का मनोरथ समझ आ जाना जीवन मनोरथ समझ के फिर उस रस्ते से तुर पैना तो इस जीवन मकसद में सफल हो जाना जिन्होंने लोग परलोक सुहेले की गल करते हैं ना गुरबाणी के अंदर वो लोग परलोक सुहेले हो जाते हैं नीर क्षीर विवेकी बुद्धि हो जाना जिमें हंस की प्रवृत्ति है ना पानी के दुध में कट्ठा करके दे दो मिला के दे दो तो उस वाहेगुरु ने
जो हंस है उसके चुंझ विच एक ऐसा रसायन लग्या है, जो दुध ते पानी मिलिया हुंदा है उस दुध दियां फुटियां फुटियां बन जांदियां ने, पानी इलेगा यानी वखरा हो जाता है, वह दुध दुध नूं पुज लैंदा है ते पानी वखरा छुप जाता है बर्तन उस भांडे विच। हुण सासन जी इसे तरह विवेक बुद्धि आ जाना कि साडे जीवन का मनोरथ की है, असीं करना की है, असीं किहड़े कर्म सानूं करने शोभ देने, किहड़े कर्म करने ने शोभ दे, जिवें गुरु पातशाह कहिंदे ने करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। इट मीनस सानूं समझ नहीं है सानूं किहड़े काम करने चाहिए, मनुख हो के जे मनुखता नहीं, इंसान हो के जे इंसानियत नहीं, बंदा हो के जे बंदगी नहीं, तां फिर ते करतूतां बस होवानियां होंगियां। तां सासन जी गुरु पातशाह समझाउणा करदे ने परमात्मा दे सिमरन विच इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि उसके नाल आत्म ज्ञान हो जाता है, ज्ञान ध्यान तत्व बुद्ध तत्व वेत्ता हो जाता है, उसनों अध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, आत्मिक ज्ञान हो जाता है। प्रभु के सिमरन जब तक पूजा, प्रभु के सिमरन बिन से पूजा, सारी तरह के जो पूजा अर्चना जिड़े भी विधियां जिड़े भी टंग जिड़े भी स्त्रोत परमात्मा की प्राप्ति के दसे गए हैं वह सारे परमात्मा के सिमरन में आप ही समाहित हो जाते हैं, सारिया पूजा अर्चना सब कुछ इस विच ही समाहित हो जाती है, यानी प्रभु का सिमरन सब ते उच्चा, परमात्मा का सिमरन जो है सर्वोर है सर्वोत्तम है, ये सारिया चीज़ा उस विच अपने आप ही समाईया हुई ने, उस तो बाद कुछ वखरा करन दी होर उचेज करन दी लोड़ नहीं पैंदी। प्रभु के सिमरन जब तक पूजा, प्रभु के सिमरन दिन से पूजा द्वैत भाव में नस जाता है, सहसे जीव मलिन है कि संयम धोता जाए, शंका वाला जीवन खत्म हो जाता है, द्वैत भाव मिट जाती है, दुर्भावना खत्म हो जाती है, दोचिता मन खत्म हो जाता है, एक ते मुकम्मल विश्वास बन जाता है, तो वह परमात्मा के सिमरन सदके बनना है। प्रभु के सिमरन बिरसा पूजा, प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नान, 68 तीर्थ मने गए हैं, तो 68 तीर्थों का इशनान स्वतः अपने आप ही हो जाता है, भाव सिमरन करने वालों को ये 68 तीर्थों के इशनान भी करने की लोड़ नहीं, वो इशनान भी इस समाए हुए हैं, यानी प्रभु का सिमरन इन्ना ऊंचा है। प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभु के सिमरन दरगाह माने उस मालिक की दरगाह विच भी फिर आओ बैठ आदर सबते, उस मालिक की दरगाह विच भी उन्होंने माण मिलता है, इतनी दुनियावी माण से फिर भी सास में झूठा है, उस मालिक की दरगाह विच माण मिलना उत्ते फिर कोई दुदकार का नहीं, इतने तो सजन कोई गरीब होएगा उसका ही कोई मान थोड़ी करेगा, उत्थे नाम जपन वालों का सिमरन करने वालों का उत्थे मान उन्हों दरगाह विच भी मान सम्मान मिलता है। प्रभु के सिमरन दरगाह मानी, प्रभु के सिमरन होए सुफला, प्रभु के सिमरन सुफल भला, कहते वो फिर जो कुछ हो रहा है उस करतार की कुदरत के विच उसके हुक्म के नाल जो कुछ हो रहा है वह भला करके जापता है, ये नहीं साढ़े मन मुताबिक होया तो चंगा तो साढ़े मन मुताबिक ना होया तो कह दें अनहोनी हो गई, अनहोनी तो हो ही नहीं सकती, होन हार नहीं होना है, साड़ी मनमत्ते अनुसार नहीं है, साढ़े मन मुताबिक नहीं है, तो असं उसनों ये नाम दे दें, तो कहते जो कुछ हो रहा है जो वर्ता है उस मालिक के हुक्म के रजा के जो कुछ हो रहा है वह फिर पला प्रतीत होने लग पैदा है परमात्मा के सिमरन सदके। प्रभु के सिमरन करके मानी, प्रभु के सिमरन होए सुफला, प्रभु के सिमरन सफल भला, सारे कार्य सफल नहीं होते, जीवन सफल है उसका, लोक लोक सुहेला है उसका जेड़े परमात्मा का सिमरन करते ने चित करके हिरदे करके, से सिमरै जिन आप सिमराई नानक ताके लागो पाए। पंचम पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी बाणी के बोल, जिन्होंने से सिमर है वही सिमर सकते हैं जिड़े उस परमात्मा को पा जाते हैं। आप सारे दुनियावी पदार्थ मंगते हैं, बहुत कुछ सानू अणमंगया मिले है, तो बहुत कुछ मंग के मिल गया है, तो बहुत कुछ जोड़ा नहीं मिलता उसके पीछे कोई राज कोई भलाई जी भी आती वह सू समझ नहीं आती, क्योंकि साडा जीवन भौतिकता निर्भर करता है, भौतिक पदार्थों या दुनियावी जो संबंध ने उन्होंने साड़ा मोह है प्यार है, तो गुरु पातशाह की गुरबाणी के अंदर संकेत करते हैं साच को सुन ले वो सब है जिन प्रेम की होती नहीं प्रभुपाई दसम पातशाह की पावन बाणी, तो उन्होंने प्रेम वाला मार्ग
ते प्रेम भी परमात्मा नाल दूजा ना है ते जिहड़े फिर सारी खलकत दे नाल इको जिहा प्यार ते वर्तारा नहीं करते ओह फिर रब नाल भी प्यार नहीं करते। ते सत्संग जिओ कहिंदे कोई ओह सिमर सकदा है ओही जप सकदा है कहिंदे ओह वाहिगुरु जिस ते दृढ़ता है ना उसनूं पूर्ण गुरु मिला दिंदा है ते पूर्ण गुरु की प्राप्ति उस रब जी की प्राप्ति है क्योंकि उन्होंने उसके दर तो वह नाम की दात बख्शवा लेता है। आप सारे मंगते हाँ पर कोई बिरले ने भागा वाले जेडे सिमरन की दात मंगते हैं क्योंकि यह सब तो वड्डी दात है ते जिसनों ये मंगने की जाच आ गई उन्होंने तो रब जी आपे ही मिल गए। से सिमर है जे आप सिमराए नानक प्राप्ति लागू पाए गुरु पातशाह कहते मैं योजना के चरणा दू कहते उन्होंने चरणी हाथ लाता हाँ मैं कुरबान जाता हाँ मैं जिन्होंने वो वाहगुरु आप त्रुट के सिमरन दारा बख्श करें। एक बार सत्संग एक एक बंदे ने ना एक भगत से नाम जपता से ते एक दिन परमात्मा ने ना कहते ने यह ना सोचना कि परमात्मा के भगतों के उतार गल् नहीं होंगे गल करते कहते परमात्मा जी मैं एक गल दसो वाहगुरु जी मैं एक गल दसो जिसते त्रुटते हो बहुत प्रसन्न होंगे वो तुम देख लो। परमात्मा वाहेगुरु का की जवाब से उन्होंने इच्छावान तू रहित कर दिना वो भगत आखते भी चंगे टुटते हो वो कोई जीवन तो नीरस हो जाएगा ना उन्होंने इच्छावान तू ही रहित कर देंगे हो क्योंकि सत्संग जो जिन्या बंदे इच्छावान ज्यादा होना बंदा दुखी रहेगा यह दायरा जिन्ना विस्तृत होता जाएगा बंदा उन्ना दुखा में गिरता जाएगा तो जिन्ना यह दायरा सीमित होता जाएगा तो फिर सत्संग कदे ऐसा सुभाव भरिया समा आ जाए असं उस वाहेगुरु को नाम की दात मंग रहे हुई है। प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम अंत में यही निकला परिणाम कहते रब जी का नाम क्योंकि उसको तो रब जी ही आ जाएंगे सारा कुछ तो अपने आप आ जाएगा। करता तेरे सब किच है जिससे सौभाव है सदा सिख सलाह तेरे नाम मन वसावे सदा उसकी जो सिखत आती है ना स्वास स्वास उसका सिमरन होंगे फिर वो अपना नाम जरा हिरदे घर वस जाता है टिक जाता है तो फिर उसमें कोई उचेच भी नहीं करनी पड़ती सहज सुभा हिरदे वाहेगुरु उठते बैठते सोते जागते उस परमात्मा के नाल इतना एक मिक हो जाता है कि वह वाहेगुरु सुते सिर भी वह परमात्मा जीते रहता वाहेगुरु करे रहमत बख्शिश करे कि साढ़े हिरदिया घर में भी एक कोई गणी पावन बाणी नहीं वसे जिस सदके साड़ी भी मंग सुजगी हो असी भी इस दरते आके मंगण की जात सीख जाइए। सतगुरु सिखो नाम धन दे गुरु का सिख पटवा वे पाठों वाले ने वो जो नाम की चाचना करते हैं तो वह उत्तर अमता का सागर है फिर जो जी साड़ी मंशा होंगी वह जो फल की प्राप्ति होनी चाहती है। वाहेगुरु सारे की कृपा करे बख्शिश करे कोई कड़ी प्यार की साढ़े हिरदे घर में सिमरन की साढ़े हिरदे घर में इस कदर रस वस जाए जिस सदके ये लोग सुखी है पर लोग सुहेले नानक अंतरम आपे मिले व्यवस्था बन सके भुला चुका लिखी मां बख्शियो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।